बात करते हैं IAS 37 की। IAS 37 का नाम क्या है? प्रोविजंस कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट्स। कंटिंजेंट का मकसद इज डिपेंडेंट अपॉन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ ऑन वन ऑफ और फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स। ये आपने बचपन में एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है या कंटिंजेंट एसेट है, डाउट क्या है, यानी एक प्रोविजन और कंटिंजेंसी में क्या डिफरेंस है? कंटिंजेंट हम किसी भी या लायबिलिटी को कहते हैं, इसमें डाउट यह है कि लायबिलिटी है भी या नहीं है, या दूसरा अगर लायबिलिटी है तो सही लेकिन उसका अमाउंट रिलायबली मेजरेबल नहीं है। ऑन द अदर एंड प्रोविजन किसको कहा जाएगा? प्रोविजन का मकसद लायबिलिटी तो है लेकिन उसका अमाउंट या टाइमिंग अनसर्टेन है। अनसर्टेन से मेरा हरगिज मकसद नहीं है कि वो रिलायबली मेजरेबल नहीं है। अनसर्टेन है यानी श्योर नहीं है कि कितना देना है लेकिन हम फिर भी अंदाजा लगा सकते हैं, रिलायबली मेजर कर सकते हैं। अगर आप हाथ ही उठा ले कि हम मेजर ही नहीं कर सकते कि कितना खर्चा हो सकता है या कितनी पेमेंट हो सकती है, तो वो प्रोविजन एक स्टेप पीछे चला जाएगा और वो कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाएगा। तो पॉइंट क्या आया कि कंटिंजेंट लायबिलिटी का मकसद है कि वो लायबिलिटी पॉसिबल है, यानी लायबिलिटी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, या दूसरा हम उसका अमाउंट रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। तो दो स्टेजेस आ गई, पहला लायबिलिटी है या नहीं यही अनसर्टेन है, और अगर लायबिलिटी है ये तो सर्टेन है लेकिन उसके अमाउंट को हम रिलायबली एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। तो आपने बचपन में पढ़ा था कि एक होते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी और एक होता है कंटिंजेंट एसेट। कंटिंजेंट कब तक होगा उसकी हम रखते हैं लाइक्लीहुड, यानी चांसेस ऑफ अकरेंस। अगर के वो लायबिलिटी हमारे गले में आएगी इसके चांसेस रिमोट है। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, लायबिलिटी है भी या नहीं मैं उसके अमाउंट और उसकी टाइमिंग के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि क्या मेरे ऊपर ये लायबिलिटी बनेगी भी या नहीं बनेगी। एज अ कॉमन एग्जाम्पल कि अगर हमारे ऊपर किसी कस्टमर ने केस फाइल कर दिया, हम उनको अमाउंट पे करेंगे या नहीं करेंगे ये अनसर्टेन है। पहला, अगर केस हम हार जाएंगे
ये तो पक्का है, अमाउंट कितना देना है और कब देना है ये श्योर नहीं है, तो ये प्रोविजन की हद पे पहुंच चुका है। लेकिन हम केस हारेंगे या जीतेंगे, हम केस हारेंगे अगर इसके चांसेस रिमोट है, यानी लायबिलिटी हमारे ऊपर है या नहीं, सवाल इस पे उठ गया है। तो IS 37 क्या कहता है कि अगर चांसेस ऑफ अकरेंस रिमोट है तो आपने क्या करना है, इग्नोर। इसी तरीके से आपने अगर लेट से इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम डाला है, आपका कोई नुकसान हुआ है और आपने इंश्योरेंस कंपनी से वो नुकसान क्लेम किया है, सवाल है कि क्या आप क्लेम जीतेंगे भी या नहीं, क्या ये क्लेम पास होगा भी या नहीं। अगर उस क्लेम पास होने के चांसेस रिमोट है तो आपने क्या करना है, इग्नोर। दूसरा लेवल, कि अगर हम केस हार जाएंगे, इसके चांसेस पॉसिबल हैं, यानी अप टू 50% चांसेस हैं कि हम केस हारेंगे। अभी सवाल अमाउंट के ऊपर नहीं है, अमाउंट बेशक सर्टेन हो कि जब भी केस हारा जाएगा तो जुर्माना 6 लाख का है मिसाल, लेकिन मैं केस हारूंगा भी कि नहीं, सवाल यहां पे है। तो अगर उसके चांसेस पॉसिबल हैं तो आपने क्या करना है, लायबिलिटी के केस में एक नोट डाल देना है कि हमारे ऊपर ऐसा कोई मसला चल रहा है। और अगर आप इंश्योरेंस से क्लेम जीत जाएंगे, इसके चांसेस पॉसिबल हैं, तो आपने क्या करना है, इग्नोर। तो यहां पे हम प्रूडेंट होके चल रहे हैं, एसेट के केस में हम जल्दबाजी नहीं कर रहे, और लायबिलिटी के केस में हम ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं लेकिन थोड़ी ही सही लेकिन कर रहे हैं। तीसरा, अगर केस हार जाएंगे ये प्रॉबेबल है, यानी लायबिलिटी तो है। हाँ, अब आप बात कर सकते हैं कि कितनी लायबिलिटी है ये कंफर्म नहीं, और कब अमाउंट देना है ये कंफर्म नहीं, तो आपने यहां पे प्रोविजन बना देना है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी बड़ी होके प्रोविजन बनेगी जब तक उसके चांसेस रिमोट है या पॉसिबल है, हम उसको एज अ लायबिलिटी रिपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर चांसेस प्रोबेबल है, यानी ये तो ज्यादातर लाइकलीहुड है कि केस तो हम हारने वाले हैं। हाँ, अब आप कहें कि अमाउंट श्योर नहीं है, टाइमिंग श्योर नहीं है, लेकिन आप प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। जबकि एसेट के केस में अगर उस इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम जीत जाएंगे, इसके चांसेस प्रोबेबल हैं, तो भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे, बिकॉज हम एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं करेंगे। लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, तकरीबन तकरीबन सर्टेन है, वर्चुअली सर्टेन। तो अगर हम केस हार चुके हैं लेकिन वर्डिक्ट आना है कि जुर्माना कितना लगेगा या कब लगेगा, तो प्रोविजन तो आप वैसे ही पहले बना चुके हैं, और अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम जीत चुके हैं या स्ट्रॉन्गली लाइकली है, हाईली लाइकली है कि हम जीत जाएंगे, तो आप इसको जाके अपना रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे। तो याद रहे, कंटिंजेंट लायबिलिटी कभी भी रिकॉर्ड नहीं की जाती, जब कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रोविजन बन जाती है। अरे यही है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी बड़ी होके प्रोविजन बनेगी। तो जब वो प्रोविजन बन जाती है, यानी प्रोबेबल या वर्चुअली सर्टेन हो जाती है, तो उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी का नाम नहीं दिया जाता, उसका नाम प्रोविजन ही रख लिया जाता है और प्रोविजन रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम देखिए क्या रही है पास्ट में। पास्ट में एक विंडो ड्रेसिंग की आला मिसालें कायम की गई बाय मीन्स ऑफ प्रॉफिट स्मूथिंग।
मोइस कंटिजेंट का मकसद कंडीशनल डिपेंडेंट ठीक है हुज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड बाय अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स. ये किसी चीज के होने या ना होने पे इसका मदार है, इसका डिपेंडेंसी है. अच्छा अब होता क्या था, प्रॉफिट स्मूथिंग में मैनेजमेंट क्या करती, यूजलेस प्रोविजंस बनाती. लाइक देयर इज ऑलवेज अ क्लैश बिटवीन अक्रूअल एंड प्रूडेंस. अक्रूअल या मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब तक बेनिफिट ना आ जाए तब तक खर्चा मैच ना करना, जब तक सर्विसेज देना दो तब तक रेवेन्यू नहीं मानना. कैसा हो अगर मैं कोई प्रॉपर्टी 5 साल के लिए किराए पे लूं और मैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट में रेंट तो एग्री करूंगा कि आइंदा आने वाले 5 साल तक हम कितना रेंट पे करेंगे, तो सवाल उठता है अगर मैं 5 साल का एग्रीमेंट करता हूं कि क्या आइंदा आने वाले 5 साल का किराया मैं एक्सपेंस और लायबिलिटी अभी रिकॉर्ड कर लूं, लक्ष्य बाय नॉट. आपने साइन तो किया है कॉन्ट्रैक्ट और ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि आइंदा आने वाले 5 साल तक आपने किराया देना है. लायबिलिटी को अंडरस्टेट करना चाह रहे हो क्या? इसी तरह से ये सर्टेन है अरीच, हमने तो देने हैं ना पैसे. इसी तरीके से अगर एक एम्प्लॉय को मैं आज 2021 में रिक्रूट करता हूं और उससे मैं 3 साल का बॉन्ड साइन करवाता हूं, ये कहता हूं कि 3 साल तक ना वो मेरी कंपनी छोड़ सकता है ना मैं उसको टर्मिनेट कर सकता हूं, तो क्या उसके आइंदा आने वाले 3 सालों की सैलरी मैं आज ही एक्सपेंस एंड लायबिलिटी मान लूं? ओके, लक्ष्य कह रहा है सिर्फ इस साल का जितना रेंट होगा वो रिकॉर्ड करेंगे. दूसरी मैंने एग्जांपल दी कि अगर सैलरी है और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूं कि ना मैं टर्मिनेट कर सकूंगा ना वो मुझे छोड़ सकेगा, अब आप लोगों का क्या मशवरा है, मुझे लायबिलिटी आज ही रिकॉर्ड कर देनी चाहिए या नहीं? लक्ष्य तो मुखालफत कर रहा है, एंटी है. आप लोग क्या कह रहे हो? ठीक है, अब करिश्मा या नवीरा आप सब कह रहे हैं. अच्छा नवीरा कह रही है कि सिर्फ इस साल का रिकॉर्ड होना चाहिए. ठीक है ठीक है, मर्ज नहीं करेंगे. बेसिकली देखो हमारी बहस क्या चल रही है. अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब तक आप प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर लेते तब तक आपको आप रेंट एक्सपेंस ना करें, जब तक एम्प्लॉय से सर्विसेज ना ले लें तब तक आप उसके सैलरी को एक्सपेंस ना करें. यह है अक्रूअल कॉन्सेप्ट. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑन द अदर एंड कह रहा है कि भाई जब लायबिलिटी है, जब आपने कॉन्ट्रैक्चुअली साइन किया है
तो आप उसको छुपा क्यों रहे? आप लायबिलिटी को अंडरस्टेट तो नहीं कर सकते। अब इस फड्डे से निकलने के लिए हम कुछ IAS 37 को पढ़ते हैं। ये बात तो वाजे कर दूं कि आइंदा आने वाले 5 सालों का रेंट या आइंदा आने वाले 3 सालों की सैलरी मैं पहले साल में एक्सपेंस आउट नहीं कर सकता। करेक्ट लक्ष्य, आप सही कह रहे हो। जब तक हम उसको यूटिलाइज नहीं करते प्रॉपर्टी को, जब तक हम एम्प्लॉय से सर्विसेज नहीं ले लेते, तब तक हम उसको एक्सपेंस नहीं शो करेंगे। तैयबा, अगर आप लायबिलिटी बनाते हैं, चलो मैंने क्रेडिट कर दिया लायबिलिटी, डेबिट क्या करूंगा? हाँ, क्योंकि डेबिट तो एक्सपेंस होना चाहिए। तो मैं अगर डेबिट करूं सैलरी एक्सपेंस एंड क्रेडिट कर दूं पेएबल या अक्रूड सैलरी, तो पूरा का पूरा खर्चा तो 2021 ही भर जाएगा ना। लेकिन ये अक्रूअल कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। हम सिर्फ उस ही साल का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे जिस साल तक आपने बेनिफिट्स लिए हैं। तो इस साल जितने महीने आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, इस साल जितने महीने स्टाफ ने आपको सर्विसेज दी हैं, आप सिर्फ उतना खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। मैनेजमेंट करती क्या थी? मैनेजमेंट की हरकतें देखें, वो क्या करती? प्रोविजन फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस बना दिया, या इसी तरीके से प्रोविजन फॉर एसेट मेंटेनेंस बना दिया। अब फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस मैनेजमेंट से पूछा गया, भाई खैरियत ये क्या है? कहा कि हमें डर लग रहा है कि भाई 2018 में तो प्रॉफिट हुआ है, 2019 में तो प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कहीं आगे जाके हमारी कंपनी को अगर नुकसान हो गया तो हम उसका प्रोविजन पहले से ही बना के रख रहे हैं। स्टैंडर्ड ने भी सोचा होगा कि कौन गधा होगा, कौन बेवकूफ होगा जो अपनी लायबिलिटी और एक्सपेंस को हाथ से बढ़ाएगा। लेकिन मैनेजमेंट क्या करती? जिन ईयर्स में कंपनी को हैंडसम प्रॉफिट्स होते, तो मैनेजमेंट उन ईयर्स में अनाप शनाप प्रोविजंस बना देती। उससे क्या होता कि उस साल कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता तो डेबिट कर देते वो, लेट्स से मेंटेनेंस एक्सपेंस को, और क्रेडिट कर देते प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस या प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस। लेकिन ये हरकत कर क्यों रहे थे? आगे जाके जिन ईयर में कंपनी को कम प्रॉफिट्स होते या लॉसेस होते, सादिया टैक्स अथॉरिटीज हमें कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोविजन को आप एक्सपेंस मानते हैं, टैक्सेशन अथॉरिटीज एक्सपेंस कभी भी नहीं मानेगी। तो हम अपनी अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन करके टैक्सेशन अथॉरिटीज के तरफ से बेनिफिट नहीं ले सकते। अच्छा, होता क्या कि जब प्रॉफिट डिप्रेस होता या लॉसेस होते ना, मैनेजमेंट प्रोविजन को रिवर्स कर देती।
अब क्या होता, मैं डेबिट करूंगा प्रोविजन को, और क्रेडिट करूंगा उस साल के प्रॉफिट और लॉस को। इससे क्या होगा, उस साल जिस साल हमारा प्रोविजन प्रॉफिट कम था या जिस साल हम लॉसेस में जा रहे थे, हम प्रोविजन को रिवर्स करके अपने प्रॉफिट को स्मूथ कर देंगे। हाँ करिश्मा, हम उन इयर्स में एक्सपेंसेस को रिवर्स कर देंगे क्योंकि हमने पहले से बुक कर किया हुआ था। इसी तरीके से अगर एसेट हमने खरीदा जिसकी लाइफ 10 साल है, हम कहें कि क्योंकि इसको हर साल हमें मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसके आइंदा आने वाले 10 सालों की मेंटेनेंस कॉस्ट को मैं आज ही प्रोविजन बना दूं। अगर मैं एसेट खरीदूं और उसकी रनिंग कॉस्ट है, मैं समझता हूं कि उसको 1 साल चलाने में मेरा 2.5 लाख रुपए का खर्च आएगा, तो मैं 2.5 लाख का मल्टीप्लाई बाय 10, 10 साल का प्रोविजन आज ही बना के रख लूं कि एसेट को रन करने में, ऑपरेट करने में मेरी कॉस्ट आएगी। लेकिन इससे हम मैचिंग कॉन्सेप्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो एक फड्डा है। क्योंकि आप मैचिंग कॉन्सेप्ट का क्या करें, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का क्या करें, वो दोनों तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हैं। होश तो IAS 37 को संभालना पड़ेगा ना। तो IAS 37 ने फोकस किया कि प्रोविजन रिकॉर्ड करना मजाक नहीं है, तो डेफिनेशन पे फोकस करें दैट अ प्रोविजन इज लाइबिलिटी। ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। अब लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए पास्ट इवेंट का होना जरूरी है, आपकी बात में अगर हमने एडवांस में पे कर दिए ना तो प्रीपेमेंट वाला हिसाब हो सकता है, लेकिन मैं उसको एक्सपेंस नहीं मान सकता। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम मेंटेनेंस कॉस्ट पे नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि मुझे अब एसेट को मेंटेन करना पड़ेगा और लेट्स से हर साल उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट 80,000 है, तो $80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर्स, मैं 2,40,000 की मेंटेनेंस कॉस्ट आज ही एक्सपेंस आउट कर दूं और प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस कॉस्ट बना दूं। तो इससे हम कॉन्सेप्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि जब तक आपने मेंटेन किया नहीं एसेट, मेंटेनेंस कॉस्ट इंकर की नहीं है, तब तक आप उसको एक्सपेंस नहीं बना सकते। तो आइंदा आने वाले सालों के एक्सपेंसेस को हम ऐसे वक्त से पहले रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यस एग्जैक्टली नवीरा, इसीलिए हमने इसको वर्ड यूज किया विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मकसद ही यह है कि हम क्रिएटिव अकाउंटिंग कर रहे हैं। जो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अच्छा, अब IAS 37 कहता है कि भाई पहले तो ये इंश्योर करो कि लायबिलिटी भी है या नहीं है। लायबिलिटी के लिए उसका पास्ट इवेंट होना जरूरी है। पास्ट इवेंट मतलब कोई ऑब्लिगेटरी इवेंट होनी चाहिए जिसकी वजह से आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आई है। अब वो तो हो सकती है लीगल ऑब्लिगेशन, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकती है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन हम कब क्रिएट करेंगे, जब हमारे ऊपर लॉ हो या स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो। जिस तरह टैक्स है, हम आइंदा उस साल का, सॉरी उस साल का जो टैक्स बनता है वो अगर हमें अथॉरिटीज की तरफ से कंफर्म नहीं भी हुआ तो भी हम उसका प्रोविजन बना लेते हैं।
क्योंकि टैक्स पे करना हमारी लीगल ऑब्लिगेशन है। ऐसे कोई कंप्लायंसेस करना या अगर कोई लॉ पास होता है, लेट्स अज्यूम इन हालात में हमारी कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट लाजम करती है कि आप तमाम ऑडिट करवाएंगे, तो वो बाय लॉ हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि जितने भी आपके प्रेजेंट या फ्यूचर में रिक्रूट होने वाले एम्प्लॉयज होंगे, उनको रिक्रूटमेंट के टाइम पे आइंदा आने वाले 3 सालों तक आपने वैक्सीनेट करवाना है। अब वो ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर बाय स्टेट्यूट चार्ज की गई है। अच्छा, दूसरी होती है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब या तो हमारी पास्ट प्रैक्टिस है या कि वो हमारी अपनी कंपनी की पॉलिसी है। ठीक है, कहने का मकसद ये होगा IS-37 का कि आपने एक वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप की है। एग्जाम्पल, अगर हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं जिसकी वारंटी 12 महीने की है, लेकिन होता यह है कि अक्सर जो कस्टमर हमारे पास 15th मंथ तक भी आ जाता है, यानी 3 महीने एक्स्ट्रा, हम उसका प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट क्लेम कर देते हैं। 12 महीने के अंदर आपने फॉल्ट को रिपेयर करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है, लेकिन आप 3 एक्स्ट्रा महीने के अंदर भी उसकी रिपेयरिंग फ्री कर देते हैं, ये आपकी ऑब्लिगेशन कंस्ट्रक्ट की गई है। कस्टमर प्रोडक्ट खरीदते वक्त एक एक्सपेक्टेशन अज्यूम करेगा और उसकी वैलिड है कि प्रोडक्ट की वारंटी लिखी हुई 12 महीने है लेकिन होती 15 महीने है। जिस तरह ACCA की एग्जाम फीस है, अब एग्जाम फी की डेडलाइन तो हमें पता है कि वो डेडलाइन है, अगर हमने उसको 1 मिनट भी लेट किया तो हमारी फीस डबल हो जाएगी या हम एग्जाम एंट्री नहीं कर सकेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एनुअल सब्सक्रिप्शन देखी जाए तो 1 जनवरी से खून पीना शुरू कर देंगे कि आप एनुअल सब्सक्रिप्शन जमा करवा दें, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि वो जून के मिड तक अकाउंट बंद करते नहीं है, तो वो एक वैलिड एक्सपेक्टेशन ACCA क्रिएट कर चुका है। लक्ष्य जून तक होगा, मिड ऑफ जून आपको एक फाइनल वार्निंग आएगी, उसके बाद बंद होगा। अदरवाइज इसकी ड्यू डेट देखी जाए तो 31 जनवरी है। हमजा ने 2 साल की नहीं पे की होगी। ओके, सो एक वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप की जाती है बाय कंपनी। अब इंपॉर्टेंट एरिया, हम प्रोविजन तब रिकॉर्ड करेंगे जब कंपनी के पास उससे बचने का कोई भी रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। ठीक है, कंपनी के पास देयर इज नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव, इस पॉइंट को हम समझते हैं। कोई भी खर्चा जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं उसका हम प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमने एक टर्म पढ़ा था गालिबन लास्ट क्लास में, एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट।
क्या मकसद होता है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का? कि जब उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की कॉस्ट उससे हासिल होने वाले बेनिफिट से ज्यादा हो। ऑब्वियसली ये जानबूझ के तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, लेकिन हमने यहां कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, दो साल के बाद कॉस्ट्स बढ़ जाती हैं। अब हम समझ गए हैं कि इसको कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट तो करना है लेकिन बारे में नहीं है। क्या इस लॉस से आप बच सकते हैं? आपके पास इसे बचने का पाकिस्तानी ऑल्टरनेटिव तो है, लेकिन रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है। हमारे यहां क्या होता है, भाग जाओ, मुल्क छोड़ के भाग जाओ, फोन ना उठाओ, तो हम सारे मसलों को मुंह दे देते हैं। लेकिन अगर इसका रियलिस्टिक देखा जाए तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। तो जब भी किसी कॉस्ट से बचने का आपके पास रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव मौजूद ना हो, आप उसका प्रोविजन बुक करेंगे। लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट है, जरूरी नहीं है आप एसेट को साल सवा के बाद बेच दें। जब भी बेच दें आपको 10 सालों की कॉस्ट एनी हाउ बेयर तो नहीं करनी है। तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि अगर कि उसके टाइम बेस्ड बेनिफिट्स हैं, तो उसमें हम मैचिंग कॉन्सेप्ट का ख्याल करेंगे। प्रोविजंस बनाए जाते हैं फटीकों के कि जो हमारे गले में पड़ जाती हैं, फायदा कोई नहीं होता उसका, लेकिन अब गले में आ गई है। तो जहां आपको ओवर द टाइम बेनिफिट मिलने वाला है, आप उसको प्रोविजन बुक नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज मुझे अचानक से याद आ गई, वारंटी है जिस तरीके से, अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं और वारंटी देते हैं, तो पास्ट इवेंट क्या हुआ, आपने प्रोडक्ट बेचा, आईएफआरएस 15 में एक चीज कवर होती है, कि अगर वारंटी को हम सेपरेटली सेल करते हैं, आप लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि फोन्स आते हैं जब, तो दो ऑप्शंस होते हैं, विथ वारंटी चाहिए या विदाउट वारंटी चाहिए। तो वहां पे वारंटी एक डिस्टिंक्ट सर्विस है। अगर हम वारंटी को अलग से सेल करते हैं तो वारंटी का प्रोविजन नहीं बनाया जाएगा। हम उसको टाइम के ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। हम दूसरे कंपनी के फोन्स की वारंटी भी सेल करते हैं या वारंटी अलग से भी बेचते हैं और फोन्स भी बेचते हैं। तो कोई अगर हमसे फोन खरीदे, हम उसको फोन भी देंगे और वारंटी भी देंगे, तो हम स्टैंड अलोन डिलीवर करते ही आप रेवेन्यू मान लेंगे, जबकि वारंटी को ओवर द पीरियड, अगर एक साल की वारंटी है या पांच साल की वारंटी है, तो उतने इयर्स के ऊपर उसको रेवेन्यू रियलाइज करेंगे। लेकिन अगर
अगर हम वारंटी बेच रहे नहीं है लेकिन क्वालिटी अश्योरेंस के सबूत में दे रहे हैं, तो हम रिकॉर्ड करेंगे तो हम पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे इसका प्रोविजन बुक करेंगे। अच्छा, अब पहला फेज पार करते हैं, प्रोविजन रिकॉर्ड किस चीज का होना चाहिए, किस चीज का नहीं होना चाहिए। बुक रीडिंग आप वैसे डिटेल में खुद ही कर लीजिएगा, इस पे लिखा हुआ है कि प्रोविजन के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट जानबूझ के फुजूल चीजों के, अननेसेसरी चीजों के प्रोविजंस बनाती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम वही आ गई कि जानबूझ के लार्ज प्रोविजंस बनाएंगे, प्रॉफिट्स को डिप्रेस कर देंगे, और वक्त आने पर जब हमारे प्रॉफिट्स एक्चुअली डिप्रेस होंगे तो हम उसको रिवर्स कर देंगे, या मैनेजमेंट जानबूझ के ऐसे प्रोविजंस बना के जाएगी ताकि बाद में आने वाली मैनेजमेंट के गले में आ जाए, या पुरानी मैनेजमेंट को वो कसूरवार ठहरा दे वगैरह, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स इसमें होते हैं, या पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आईएस 37 की तरफ से सख्ती की गई है कि प्रोविजन रिकॉर्ड करना मजाक नहीं होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होना चाहिए। तो बात हुई अप्रोप्रिएट रिकग्निशन क्राइटेरिया एंड मेजरमेंट बेसिस आर अप्लाइड टू प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स। प्रोविजन किसको कहते हैं? अ प्रोविजन इज अ लायबिलिटी of uncertain timing or amount. Liability किसको कहा जाता है? Is a present obligation. ठीक है, possible obligation नहीं है। अगर possible obligation हुई तो वो contingent liability बोली जाएगी। Present obligation मतलब probable या virtually certain है। A liability is a present obligation of the entities, of the entity arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow of from the entity of resources embodying economic benefits. ठीक है, और जिसका outflow expected हो, अगर liability है लेकिन outflow expected नहीं है, penalty expected नहीं है, तो हम उसका भी provision नहीं बनाएंगे। Provision बनाने के लिए an entity has the present obligation, वो या तो legal होनी चाहिए या तो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। दूसरा, उसका रिलायबल एस्टिमेट पॉसिबल होना चाहिए, और तीसरा, उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल होना चाहिए। ठीक है, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल होने चाहिए। अगर कंडीशन मीट नहीं होती तो हम उसको एज अ प्रोविजन रिपोर्ट नहीं करेंगे। लीगल और कंस्ट्रक्टिव आपको पता है, तो ये हो गए कुछ मेन चीजें। अगला फेज आगे 37 में हम कवर कर रहे हैं, That is measurement, कि हम provision को कैसे measure करेंगे। इसमें एक बात आती है कि हम provision बना रहे हैं किसी one off event का, like एक lawsuit है, या रिस्ट्रक्चरिंग है, डिसमेंटिंग या साइट रिस्टोरेशन है, लेकिन एक वक्त के बाद ये हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। ऐसे प्रोविजन को
हम बेस्ट एविडेंस या रिलायबल एस्टिमेट पे रिकॉर्ड करते हैं, लाइक लॉसूट में हम अपने लीगल टीम या सॉलिसिटर या लीगल एडवाइजर से मशवरा कर सकते हैं कि इस केस में अगर हमें जुर्माना हुआ तो कितना हुआ होगा। अब वो बताता है, लेट्स से एक कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीच है जिसमें पेनल्टी कभी भी कोर्ट नहीं मार सकती लेकिन सिर्फ विक्टिम को कंपनसेट करेगी, तो वो हमें एक बेस्ट एस्टिमेट दे सकता है कि हमारे ऊपर अगर पेनल्टी लगी भी या अगर हम केस हारे भी तो इतना अमाउंट देना पड़ सकता है। रिस्ट्रक्चरिंग किसको कहा जाता है? अगर हम मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटराइज सिस्टम पे आ रहे हैं, या हम ऑफिस रिलोकेट कर रहे हैं, या हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, या कोई टेक ओवर हो जाता है हमारी कंपनी का, तो रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर भी कंपनी का खर्चा आता है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन पास कर लिया है रीस्ट्रक्चरिंग का तो हम उसका बेस्ट अवेलेबल एविडेंस के बेसिस पे एस्टिमेट बनाएंगे। अच्छा, उसके अलावा साइट रिस्टोरेशन है या डिसमेंटलिंग है तो भी हम अपना बेस्ट एस्टिमेट देखेंगे कि ये डिसमेंटलिंग या रिस्टोरेशन कितने टाइम में और कितने अमाउंट में हो सकती है। तो अगर वन ऑफ इवेंट है तो उसका हम रिलायबल एस्टिमेट बेस्ड पे अमाउंट एस्टिमेट कर लेंगे। दूसरा है लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्मॉल आइटम्स लाइक वारंटी। अब हमने अगर लाख यूनिट्स बेचे हैं जिसमें 6 महीने की वारंटी है तो उसमें से कितने यूनिट्स में वारंटी क्लेम आएगा और कितने लेवल का आएगा ये अनसर्टेन है, लेकिन ये एक ही बार रिजॉल्व नहीं हो जाएगा, ये मसला चलता रहेगा। इसी तरीके से अगर हमारी कंपनी रिफंड्स एक्सेप्ट करती है कि कस्टमर को हमने टाइम दिया हुआ है कि अगर इतने अरसे तक हमारे प्रोडक्ट में कोई फ्लॉ आ जाए या कोई आपको सेटिस्फेक्शन ना हो आप प्रोडक्ट वापस करके पैसे लेके जा सकते हैं, लेकिन ये मसला भी एक बार नहीं मुकेगा। एक कस्टमर अगर रिफंड ले गया तो हम दूसरे कस्टमर को नहीं मना कर सकते कि एक कस्टमर लेके जा चुका है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। फॉर इंस्टेंस इस साल के दौरान हमने 60,000 यूनिट्स बेचे हैं और 6 साल की वारंटी है, हमारी हिस्ट्री ये कह रही है कि तकरीबन जो 10% यूनिट्स होते हैं अंडर वारंटी वो क्लेम रिसीव करते हैं। क्लेम मेजर हो सकता है
मॉडरेट हो सकता है या बिल्कुल माइनर हो सकता है। पास्ट रिकॉर्ड ये कह रहा है कि 15% प्रोडक्ट्स में मेजर फॉल्ट आता है में मॉडरेट है और 25% में माइनर फॉल्ट है। और सर मेजर फॉल्ट में एक यूनिट को रिपेयर करने में $80 की कॉस्ट है, मॉडरेट डैमेज को क्लेम करने में $42 की कॉस्ट है और माइनर में $10 की कॉस्ट है। हम इसका प्रोविजन कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये वन ऑफ इवेंट तो नहीं है, एक ही बार में हमारी जान तो नहीं छूटने वाली। हमने पूरे साल में यूनिट्स बेचे हैं 60,000, इसमें से कितने यूनिट्स अभी वारंटी में हैं? जी अरीज, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यूज। लक्ष्य, अंडर वारंटी कितने यूनिट्स हैं अभी साल के आखिर में? हमने टोटल बेचे हैं 60,000, अगर ये थ्रू आउट द ईयर बेचे हैं तो कितने यूनिट्स आपने लास्ट 6 मंथ्स में बेचे होंगे? देखें पूरे साल में कितने हैं? 60,000। इनमें से जो जनवरी से लेकर जून तक बेचे होंगे उनकी वारंटी तो खत्म हो चुकी होगी ना, बाकी वारंटी किन की होगी जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक बेचे गए हैं? जी अरीज, मैंने कहा है कि पूरे साल में हमने 60,000 यूनिट्स बेचे हैं, जो पहले 6 महीने में बेचे होंगे जनवरी से लेकर जून तक, क्या उनकी अभी भी वारंटी वैलिड होगी? देखिए वारंटी कितनी है, सही, तो जनवरी से लेकर जून में जो बेचे गए होंगे उनकी वारंटी तो वैसे ही एक्सपायर हो चुकी है, बाकी वारंटी उनकी मौजूद होगी जो लास्ट 6 मंथ्स में बेचे गए हैं। सर मैं ये कहता हूं जुलाई से लेकर सिक्सटी थाउजेंड का आधा होगा 30,000। अच्छा, अब हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 10% ऑफ यूनिट्स अंडर वारंटी रिसीव अ क्लेम, यानी 3,000 यूनिट्स पे एक्सपेक्टेड है कि फॉल्ट आएगा। अब हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक इनमें से मेजर फॉल्ट कितने में होगा? 15%। जी बिल्कुल लक्ष्य, 3,000 का मेजर, मॉडरेट और माइनर निकालेंगे तो 450 यूनिट्स में एक्सपेक्टेड है कि फॉल्ट मेजर होगा, और मॉडरेट फॉल्ट कितने में होगा? 1,800 में।
और बाकी माइनर फॉल्ट वाले 750 यूनिट्स होंगे। इससे हमारा खर्चा कितना हुआ, 80 × 450, ₹36,000। ठीक है, ₹42 × 1800, 75,600। सही, एंड दिस इज 7,500। टोटल ठीक है, अच्छा। अब जब हम वारंटी क्लेम करेंगे ना कभी भी, तो उससे प्रोविजन खत्म नहीं करेंगे, वो हम वारंटी एक्सपेंस में सेपरेटली दिखाएंगे। और हम देखते जाएंगे कि अगर वारंटी का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो जो डिफरेंस होगा क्लोजिंग प्रोविजन एंड ओपनिंग प्रोविजन में, वो हम प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस शो करेंगे। यू रिमेंबर दैट अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स, जब हम अलाउंस बना के रखते हैं और बाद में कभी बैड डेट हो जाता है तो क्या उसको अलाउंस में से क्लेम करते हो या सेपरेटली एक्सपेंस दिखाते हो? वारंटी क्लेम जब कस्टमर क्लेम करेगा हमसे, तो उसको रिपेयर करने में जो भी हमारी कॉस्ट आएगी वो सेपरेटली प्रॉफिट लॉस में जाएगी। यू समझ लें कि आपका एक्चुअल बैड डेट हो गया, लेकिन प्रोविजन का आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस देखेंगे, इंक्रीज इन प्रोविजन या डिक्रीज इन प्रोविजन का जो भी अमाउंट होगा वो आप प्रॉफिट लॉस में देखेंगे। जी साधिया, साधिया देखिए, मैंने 119,100 का प्रोविजन बनाया ना। नाउ लेट्स से फॉर इंस्टेंस नेक्स्ट ईयर, हमारी कंपनी 72,400 यूनिट्स बेचती है, अंडर सेम टर्म्स और हमारे जितने एस्टिमेट्स हैं वो भी सेम है। अब अगले साल आप फिर प्रोविजन बनाएंगे, 72,400 यूनिट्स आपने बेचे पूरे साल में, 6 महीने में कितने हो गए, 6,000। इसमें से डाउट है कि कितने यूनिट्स में क्लेम आएगा, करेक्ट है। अब ये होगा मेजर, मॉडरेट एंड माइनर। तो 3,620 का 15%, 543 यूनिट्स जाएंगे माइनर में, सॉरी मेजर में। मॉडरेट में कितने आ गए, 2,172, ठीक है। और माइनर में 905। कॉस्ट हमारी सेम है, दैट इज 80, 42 and 10। तो मेजर को रिपेयर करने का खर्चा कितना आएगा, 43,440, ठीक है लक्ष्य। सही है करिश्मा, आगे चले। मॉडरेट का खर्चा रिपेयर करने का
9124, ठीक है। एंड लास्ट 9050 टोटल। ये हमारा हो गया प्रोविजन का सीडी बैलेंस। पिछले साल आपने प्रोविजन फॉर वारंटीज कितना बना रखा हुआ है ऑलरेडी? 119100। आपका प्रोविजन इंक्रीज हुआ है या आप लेके जाएंगे प्रॉफिट लॉस में एज वारंटी एक्सपेंस? कितना डिफरेंस है? जी बिल्कुल, डेबिट करेंगे प्रोविजन 24,614 से। ये जाएगा हमारा वारंटी एक्सपेंस और क्रेडिट होगा प्रोविजन। अगर ये बताता है कि हमने इस साल $68,000 के एक्चुअल रिपेयरिंग कॉस्ट इंकर की है, तो ये भी प्रॉफिट लॉस में जाएगा और वो 68,000 भी प्रॉफिट लॉस में जाएगा। अंडर या ओवर प्रोविजन जितना भी होगा प्रॉफिट लॉस में जाएगा। रिमेंबर द ट्रीटमेंट ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। लेस नहीं होगा, दोनों प्लस हो जाएंगे लक्ष्य। जी प्रोविजंस की क्या बनेगी? डेबिट करेंगे मोहित। आप कुछ बोल रहे हैं वैसे? करिश्मा 68,000 को यहां से फॉलो करें। मैंने लिखा है ड्यूरिंग ईयर 68,000 were spent on repairs of units. यू समझ ले जिस तरह आपके एक्चुअल बैड डेट्स होते हैं ना, तो एक्चुअली जो हमें वारंटी क्लेम्स रिसीव हुए हैं उनको रिपेयर करने में 68,000 का खर्चा हुआ है। हाँ जी लक्ष्य, लेकिन वो 60,000 प्रोविजन से क्लेम नहीं होंगे। प्रोविजन अपनी जगह पे चलता रहेगा, तो वारंटी एक्सपेंस आप दिखाएंगे टोटल 92,614 का, क्रेडिट करेंगे कैश और बैंक जितना हमने रिपेयरिंग कॉस्ट पे इंकर किया है 68,000। बाकी आप क्रेडिट कर देंगे प्रोविजन फॉर वारंटी बाय 24,614। सही है, मेरे कहने का ये मकसद है कि जब एक्चुअल क्लेम रिसीव होगा तो वो प्रोविजन से खत्म नहीं होगा, वो सेपरेट ही एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा और प्रोविजन का इंक्रीज या डिक्रीज वो अपने हिसाब से एक्सपेंस में जाता जाएगा। ये एग्जांपल आप सॉल्व खुद कर लीजिएगा, क्विकली रीड कर लेते हैं। एन एंटिटी सेल्स गुड्स विद अ वारंटी covering customers for the cost of repairs of any defects
that are discovered within the first 2 months after purchase. So isme humne warranty di hai 2 mahine ki. Past experience suggests that 88% of goods sold will have no defects. Yani jitne beche hain usme se defects kitne mein aayega? 88% mein to defect nahi aayega. बाकी एक्सपेक्टेड फॉल्ट कितना है? करेक्ट अरीश, 12%. 7% विल हैव द माइनर डिफेक्ट एंड 5% विल हैव द मेजर डिफेक्ट. अच्छा अब ये देखो, इसने 12% का 7 और 15 नहीं निकाला है. टोटल जितने आपने यूनिट्स बेचे होंगे उसमें 88% में तो जीरो डिफेक्ट होगा, 7% में माइनर होगा, 5% में मेजर होगा. मैंने जो करवाया था उसमें डिफेक्टिव यूनिट्स की एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाली थी हमने. इसमें डायरेक्टली सोल्ड यूनिट्स पे 7 and 5% लगेगा. इफ माइनर डिफेक्ट्स वर डिटेक्टेड इन ऑल प्रोडक्ट सोल्ड, ठीक है, इन ऑल प्रोडक्ट सोल्ड द कॉस्ट ऑफ रिपेयर वुड बी $24,000. ये $24,000 पर डैमेज नहीं है. अगर तमाम के तमाम प्रोडक्ट जो हमने बेचे हैं सब में फॉल्ट आ जाता माइनर, तो सबको रिपेयर करने में 24,000 का खर्चा होगा. लेकिन सब में तो फॉल्ट नहीं आएगा, माइनर फॉल्ट कितने में आएगा? सोल्ड यूनिट्स के 7% का. तो हम 24,000 का 7% निकाल लेंगे. और अगर तमाम सोल्ड यूनिट्स के अंदर मेजर फॉल्ट आ जाता था तो 2,00,000 का खर्चा होता. लेकिन हमें लगता है कि जितने यूनिट्स बेचे हैं उनमें से 5% यूनिट्स के अंदर मेजर डिफेक्ट आएगा. ठीक है, ओके. आगे देख लेते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी किसको कहते हैं. कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन प्रोविजन इज अ लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जबकि कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड हुज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. Moises mein under ya over provision ka aap word use na kare, aap increase or decrease in provision ka word use kare. Aapka provision is saal increase hua hai to jo increase hoga wo profit loss mein jayega aur decrease hoga to wo as an income profit loss mein jayega. ठीक है, इसके लिए मैं बार बार मिसाल दे रहा हूं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की. तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस लिया जाता है, उसमें अंडर या ओवर अलाउंस नहीं कहा जाता. इंक्रीज होता है तो एक्सपेंस बनता है, डिक्रीज होता है तो इनकम बनता है. अच्छा, पहली बात कि अगर लायबिलिटी ही पॉसिबल है तो उसको हम कंटिंजेंट ऑब्लिगेशन कहते हैं. दूसरा, अगर ऑब्लिगेशन तो प्रेजेंट है यानी प्रोबेबल तो है दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज नंबर वन इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन कि इस लायबिलिटी को सेटल करने में पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे. Or amount of obligation cannot be measured with sufficient reliability. ठीक है, तो अगर obligation तो है, केस तो हम हारेंगे लेकिन जुर्माना कोई नहीं देना पड़ेगा. या केस तो हारेंगे, जुर्माना भी देने पड़ेगा लेकिन कितना देना पड़ेगा उसकी हमें बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है. हम एस्टिमेट ही नहीं कर सकते कि कितना जुर्माना लग सकता है. ठीक है, इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है हमारे सामने. तो इन दैट केस हम उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी कह के डिस्क्लोज कर सकते हैं. सो अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इज डिस्क्लोज्ड एज नोट्स टू द अकाउंट्स ओनली, नो एंट्रीज आर मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अदर देन डिस्क्लोजर. सिमिलर टू कंटिंजेंट लायबिलिटी अ कंपनी मे ऑल्सो हैव अ कंटिंजेंट एसेट टू डिस्क्लोज. एसेट के केस में क्या होगा, हमने किसी और के ऊपर क्लेम डाला होगा. सो अ कंटिंजेंट एसेट
is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. ठीक है, ये चीज आप पढ़ चुके हैं बचपन में, इग्नोर करना, डिस्क्लोज करना और रिकॉग्नाइज करना. वारंटी प्रोविजंस, मैंने आपको बताया था कि कभी कभी, आजकल तो स्पेसिफिकली ज्यादा चल रहा है कि वारंटी को एज अ गारंटी नहीं दिया जाता बल्कि एज अ डिस्टिंक्ट सर्विस दिया जाता है. तो अगर आप डिस्टिंक्ट सर्विस करके बेच रहे हैं वारंटी, तो आप उसको IFRS 15 के हिसाब से डील करेंगे. तैयबा, जो इवेंट्स होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे कंट्रोल में है तो हम अपने हाथ से एसेट बना भी सकते हैं या एसेट मिटा भी सकते हैं, लायबिलिटी बना भी सकते हैं, लायबिलिटी मिटा भी सकते हैं. लेकिन अगर बिल्फर्स वो कोर्ट के फैसले पे है या कोई बिल पास होना है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर बिल पास हो गया तो हमारे ऊपर लायबिलिटी बन सकती है. अगर केस का वर्डिक्ट आ गया हमारे एडवर्स में तो वो लायबिलिटी बन सकती है. तो वो जो अनसर्टेन इवेंट है जिस पे हमारा एसेट या लायबिलिटी डिपेंडेंट है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पे डिपेंडेंट है तो आप चाह के उसको लायबिलिटी भी बना सकते हैं, चाह के उस लायबिलिटी को रिवर्स भी कर सकते हैं. इससे आपकी मैनिपुलेशन के चांसेस आ जाएंगे कि मैं जानबूझ के कोई प्रोविजन बना लूं और बाद में उसको रिवर्स कर दूं. तो कंटिंजेंट होने की शर्त यह है कि वो डिपेंडेंट किसी ऐसे इवेंट पे होनी चाहिए जो इवेंट आपके जाब्ते में नहीं होनी चाहिए, आपके कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए. नहीं, होली विद इन द कंट्रोल, यानी हमारे ऊपर उसका कंट्रोल ही नहीं है. कोई माइनर सा उसमें पार्ट हमारा हो सकता है शायद, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. वो कुछ जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो बिल्कुल हमारे कद से ऊंचे हैं, हम उसको कोई मैनिपुलेशन या हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते. ओके, वारंटी की हमने बात की कि अगर उसको हम अलग से सेल करते हैं डिस्टिंक्ट तो IFRS 15 में जाएगा, और अगर वो हमारी क्वालिटी सर्विस है तो हम उसको अपना प्रोविजन बना के रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, हम पास्ट एक्सपीरियंस देखेंगे कि तकरीबन कितने में डिफेक्ट आता है. गारंटी का भी सेम अमाउंट बनेगा. ठीक है, गारंटी भी सेम तरीके से जाएगी. फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस या फ्यूचर रिपेयर्स, आपको क्या लगता है, इनका प्रोविजन बनना चाहिए? करेक्ट, कभी भी फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का या फ्यूचर रिपेयर्स का प्रोविजन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हम उसको अवॉइड कर सकते हैं. अगर हमें पहले से पता है नुकसान होने वाला है तो या इम्प्रूव करके या बंद करके हम उसको अवॉइड कर सकते हैं. जब भी रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव होगा तो हम उसका प्रोविजन नहीं बना सकते. हाँ जी, और मोइस कंट्रोल में है. दूसरी बात कि कंपनी चाहे तो अवॉइड कर सकती है. एसेट को रखोगे तो रिपेयर करना पड़ेगा, एसेट बेच दो, मैंने तो नहीं कहा रखो. इसी तरीके से कोई सेगमेंट अगर आपको पता है कि लॉस करने वाला है फ्यूचर में, तो आप या तो उसको पहले से इंप्रूव कर ले या तो पहले से बंद कर दें. लॉसेस का वेट करने की क्या जरूरत है? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? हम बात पढ़ चुके हैं पहले से ही कि जिनका कंप्लीट करने का खर्चा उनके बेनिफिट से ज्यादा हो, क्योंकि आप इसको लीगली साइन कर चुके हैं और आपके पास इससे बचने का कोई हल मौजूद नहीं है, तो आप इसका प्रोविजन भी बनाएंगे क्योंकि आप इसे बच नहीं सकते.
एनवायरमेंटल प्रोविजन, कभी कभी एनवायरमेंटल प्रोविजन लीगल ऑब्लिगेशन होगी कुछ ममालिक के अंदर, कुछ कंट्रीज के अंदर, और कभी कभी कंपनी की अपनी पॉलिसी हो सकती है, शायद गवर्नमेंट उसको लाजिम नहीं करती हो लेकिन हम उसको क्लीन अप करते हैं अगर, और अगर ये फ्यूचर में होगा तो हम उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तैयबा, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में हम उसका लॉस कैलकुलेट करेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में हमारा नुकसान क्या होने वाला है। अगर आपके पास कोई क्लॉज है कि आप उस लॉस की पेनल्टी भर के भाग सकते हो, तो आप देखेंगे जो भी आपके लिए बेहतर फैसला हो उतना आप प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, अब आपको कंप्लीट ही करके देना है वो काम, तो जितना लॉस होने वाला है उस लॉस को आप पहले से ही रिकॉर्ड कर लेंगे। ये हमने IFRS 15 में भी देखा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट से नुकसान एक्सपेक्टेड है तो उसको स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा, पूरा का पूरा लॉस इमीडिएटली शो कर दिया जाएगा। यस अरीज सर, तो ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की जो भी कॉस्ट होगी वो हमें खुद को बियर करनी पड़ेगी ना, एट दी एंड अगर उसको लायबिलिटी भी बनाएं तो। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन इसके लॉस होने का वेट नहीं करना है, इस लॉस को डेफर नहीं करना है। अगर आपको 2021 में ही पता चल गया है कि 2023 में जो कॉन्ट्रैक्ट हमने खत्म करके देना है उस पे हमें लॉस होने वाला है, तो 2022 और 23 का वेट नहीं करना है, 2021 में ही वो पूरा का पूरा लॉस आपने बुक कर देना है। ठीक है सर। मुएस, हम जो रेट यूज करते हैं ना, परसेंटेज, जिसको डिस्काउंट रेट हम कहते हैं, वो हम हमेशा प्रीटैक्स ही यूज करते हैं। आपको IAS 36 इंपेयरमेंट का भी रेट याद होगा, वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते वक्त हम जो रेट यूज करते हैं उसमें टैक्स के इम्पैक्ट शामिल नहीं करते, ठीक है? तो टैक्स रेट, डिस्काउंट रेट हम हमेशा प्रीटैक्स ही यूज करते हैं, टैक्स के इम्पैक्ट इसमें लाए ही नहीं जाते कभी भी। प्रीटैक्स और आफ्टर टैक्स या पोस्ट टैक्स में डिफरेंस ये होता है, जिस तरह अगर मैं एक बॉन्ड इश्यू करूं और उस पे मैं परसेंटेज पे करूं 10%, वो 10% बनेगी मेरी फाइनेंस कॉस्ट, और उस फाइनेंस कॉस्ट पे मुझे लेट से 30% टैक्स देना है, तो 10% का 30% यानी 3% तो मुझे बेनिफिट मिल जाएगा टैक्स में, बाकी 7% मेरी आफ्टर टैक्स कॉस्ट होगी, लेकिन यहां पे हम हमेशा प्री टैक्स लेंगे। रीस्ट्रक्चरिंग किसको कहा जाता है, एक नजर उसको समझ लेंगे। अ रीस्ट्रक्चरिंग इज अ प्रोग्राम दैट इज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट एंड मटीरियली चेंजेस आइदर द स्कोप ऑफ बिजनेस अंडरटेकन बाय एन एंटिटी और द मैनर इन विच द बिजनेस इज कंडक्टेड। या तो हम अपने बिजनेस का स्कोप चेंज कर रहे हैं, या जिस तरीके से हम कारोबार करते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हैं, ऑर्डर कलेक्ट करते हैं, वो हम चेंज कर रहे हैं। लेट्स से अगर हम आउटलेट्स बंद करके ऑनलाइन स्टोर्स खोल लेते हैं, वेबसाइट्स की तरफ आ जाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ आ जाते हैं, तो हमारे बिजनेस करने का तरीकेकार चेंज हो गया, ऑनलाइन डिलीवरीज की तरफ हम आ गए हैं, तो ये रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा कहलाता है। पहले हम मैन्युअली काम करते थे, अब हम कंप्यूटराइज सिस्टम पे आ गए, ठीक है? ये भी हमारे बिजनेस का तरीका चेंज करेगा। यस तैयबा, भी हमने पढ़ा कि हम उस चीज का प्रोविजन नहीं बनाते जो कि हमारे कंट्रोल में होती है, ये जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, तो हम ये रिस्ट्रक्चरिंग तो अवॉइड कर सकते हैं, तो हम इसका प्रोविजन। जी करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। हम रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन नहीं बनाते हैं अंटिल एंड अनलेस आपने बाकायदा अपनी फॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के बाद एक डिसीजन ले लिया है कि हम रिस्ट्रक्चरिंग करने जा रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन आसानी से नहीं बनाया जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मल प्लान रेडी है और हमने सबको अनाउंस कर दिया है तो वो कॉस्ट हमारे लिए अनअवॉइडेबल बन जाती है। मिसाल, अगर हम अपना कोई लाइन ऑफ बिजनेस क्लोज करने जा रहे हैं और उसमें जो अफेक्टेड एम्प्लॉयज हैं उनको हमने अनाउंस भी कर दिया है, तो उनकी जितनी भी कंपनसेशन हमें पे करनी है वो हम पहले से ही अपना प्रोविजन बना सकते हैं, बशर्त
कि अब इस प्लान से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। तो जब तक आपने डिसाइड नहीं किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल नहीं आया, आप रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन नहीं बना सकते। लेकिन वंस यू हैव डिसाइडेड, अप्रूव्ड, अनाउंस्ड, उसके बाद आप उसका प्रोविजन बना सकते हैं। तो ये बात क्लियर है? ठीक है। कहता है प्रोविजन मे ओनली बी मेड इफ अ डिटेल्ड फॉर्मल एंड अप्रूव्ड प्लान एग्जिस्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ डिस्कस नहीं हुआ है, बाकायदा डिटेल्स फॉर्मल प्लान बन चुका है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया है कि हम तमाम मैनुअल सिस्टम खत्म करके हम ऑटोमेटिक सिस्टम पे आ जाएंगे, या हम ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रलाइज सिस्टम खत्म करके डिविजनलाइज कर देंगे, डिसेंट्रलाइज कर देंगे। तो अगर ये डिसीजन बाकायदा अप्रूव हो चुका है, और दूसरा है द प्लान हैज बीन अनाउंस्ड टू दोज अफेक्टेड, हमने अनाउंस भी कर दिया है, तो आप इसका प्रोविजन बना सकते हैं। द प्रोविजन शुड इंक्लूड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अराइजिंग फ्रॉम रीस्ट्रक्चरिंग, कि रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से आपका जो भी खर्चा आएगा डायरेक्ट आप वो इसमें शामिल करेंगे। लेट्स से हम रिलोकेट करते हैं अपना ऑफिस, जिस तरह पीआईए अभी कर रहा है, अपना ऑफिस कराची से उठा के इस्लामाबाद शिफ्ट कर रहा है। अब जो एम्प्लॉयज हैं वो तो कहेंगे कि भाई इस्लामाबाद कौन जाएगा, हमें तो कराची की वजह से हम यहाँ पे रह रहे हैं। अब मे बी इनमें से कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हों जो कि अर्ली रिटायरमेंट ले लें, या कुछ ऐसे होंगे जो कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे चले जाएंगे इस्लामाबाद। अब कंपनी अपना कराची से ऑफिस, हेड ऑफिस बंद करके इस्लामाबाद शिफ्ट कर रहा है, ये भी रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है। अगर कि ये प्लान डिटेल्ड फॉर्मली अप्रूव हो चुका है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पीआईए, और अगर इसमें फेडरल कैबिनेट का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है, हम वहां से भी इसकी अप्रूवल ले चुके हैं, कस्टमर्स को भी बता दिया है, एम्प्लॉयज को भी बता दिया है, ठीक है, जितने भी अफेक्टेड पार्टीज हैं हमने सबको इन्फॉर्म कर दिया है, तो आप इसका प्रोविजन बनाएंगे और उसको रिलोकेट करने में आपकी जितनी भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स होंगे वो आप इसमें इंक्लूड करेंगे। इस्लामाबाद की बिल्डिंग बनाने का खर्चा इसमें शामिल नहीं कर देना, लेकिन सामान को कराची से हैदराबाद शिफ्ट करने में जितनी भी आपकी कॉस्ट आएगी, कुछ स्टाफ को अगर कंपनसेट करना पड़ता है, कुछ एम्प्लॉयज को फारिग करके उनको रिडंडेंसी देनी पड़ती है, ये सारे खर्चे आप उसमें शामिल करेंगे। एक्सक्लूड कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद ऑनगोइंग एक्टिविटीज। रेंट भर रहे हो, अगर आप कह रहे हो इस्लामाबाद की हमने रेंट पे पहले से ले लिए ताकि रिलोकेशन कर सके, और रिलोकेशन में हमें 6 महीने लग जाएंगे, तो 6 महीने की रेंटल कॉस्ट को आप कैपिटलाइज प्रोविजन का हिस्सा नहीं मान सकते। या आपने इस्लामाबाद के लिए कुछ एम्प्लॉयज को एडवांस में हायर कर लिया ताकि वहां पे बैठे रहे जब तक हम यहां से सामान लेके वहां पहुंचे, तो उनकी सैलरीज को भी आप रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन का हिस्सा नहीं बना सकते। लेकिन कोई चीजें यहां से उखाड़ के वहां लेके जाने में जो भी खर्चा आएगा वो डायरेक्ट कॉस्ट आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, बशर्त के डिटेल्ड एक फॉर्मल प्लान अप्रूवल के साथ मौजूद है और हमने अफेक्टेड पार्टीज को पब्लिकली अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो ये बात वाली बात पे आ रहा है कि हम सिर्फ तब बना सकते हैं जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती हो, और ऑब्लिगेशन तब एग्जिस्ट करेगी जब मैनेजमेंट ने फॉर्मल प्लान अनाउंस कर दिया है। यस करिश्मा, एग्जैक्टली। प्रोविजन का मकसद ही क्या है कि उसका या तो टाइम अनसर्टेन है या अमाउंट अनसर्टेन है। अगर आपको अमाउंट कंफर्म है तो फिर प्रोविजन के सर का दर्द ही नहीं है। हमें क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि इस अप्रूवल के बाद हमारा एक्चुअल खर्चा कितना आएगा, ठीक है, जिस तरह पीटीसीएल को हमने प्राइवेटाइज किया था, अब ये भी एक रीस्ट्रक्चरिंग है। उसने प्राइवेट कंपनी ने कहा कि हम जितने भी बूढ़े बूढ़े मुलाजमीन हैं सरकारी सिस्टम पे काम कर रहे हैं उन सबको फारिग करेंगे, लेकिन उनको निकालने पे जब हम आए तो सब रोड पे बैठ गए कि हमारी पक्की नौकरी कैसे खत्म कर सकते हैं। हम बहरहाल उनसे बातचीत करेंगे, जिस पे हमारी विन विन बनेगी हम उतने पैसे देके उनको रुखसत करेंगे। क्योंकि ये खर्चा श्योरिटी के साथ नहीं एस्टिमेट किया जा सकता, तो हम एक एस्टिमेट लेंगे, और ऐसी लायबिलिटी जिसका अमाउंट या टाइमिंग अनसर्टेन है हम उसी का प्रोविजन बनाएंगे।
ठीक है, ये आप रीड कर लेंगे कि रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजंस कब और कैसे बनाए जाएंगे। थोड़ी सी एग्जांपल देखें कि इसमें रिस्ट्रक्चरिंग की मिसाल क्या दी है। ऑन 14 June 2005 अ डिसीजन वॉज मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एन एंटिटी टू क्लोज डाउन अ डिविजन। हम अपनी एक डिविजन बंद कर रहे हैं। द डिसीजन वॉज नॉट कम्युनिकेटेड एट द टाइम टू एनी ऑफ दोज अफेक्टेड एंड नो अदर स्टेप्स वर टेकन टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन। बाय द ईयर एंड ऑफ 30 June 2005 द डिविजन वॉज क्लोज्ड इन September 2005। अब जून के बाद आपने जुलाई अगस्त सितंबर में जाके बंद कर दिया। जून तक क्या सिचुएशन थी? जून तक आपने सिर्फ डिसीजन लिया था कि बंद करेंगे, पार्टीज को कम्युनिकेट नहीं किया था। अरिच, ऑनगोइंग एक्टिविटीज का कोई भी खर्चा रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन का हिस्सा नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन अगर आप वहां एम्प्लॉयज को अकोमोडेशन अरेंज करके देते हैं, या यहां से अक्सर क्या होता है, जब कंपनी अपनी ऑफिस शिफ्ट करती है तो एम्प्लॉयज की को रिलोकेशन अलाउंस पे करती है कि वो अपना सामान कराची से बांधकर इस्लामाबाद पहुंचाए, तो वो जो खर्चा पानी हम अपने एम्प्लॉय को देंगे रिलोकेट करने में, वो आप मान लोगे, लेकिन जो सैलरी बढ़ा के देनी पड़ेगी वो आपके प्रोविजन का हिस्सा नहीं बनेगा। ओके, अच्छा, अब इस सवाल में देखें, 30 जून तक हमने किया क्या है महासेवा फैसले के? अफेक्टेड पार्टीज को हमने अनाउंस नहीं किया, ठीक है, कोई फर्दर डिसीजन हमने नहीं लिए थे, तो हम प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए फॉर्मल प्लान का होना, डिसीजन का होना और अप्रूवल का होना जरूरी है। ये कंटिजेंट लाइब्रेरी और कंटिजेंट एसेट की एग्जांपल्स हैं, एंड ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। आइए, स्टडी 7 हमारा खत्म हुआ, इसको आप एक नजर देख लीजिएगा। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है और आपसे जजमेंट एक्सरसाइज करवा सकता है कि प्रोविजन रिकॉर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन के ऊपर भी फोकस करेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यूज के ऊपर, लेकिन उसके चांसेस फिर भी कम है। ज्यादातर वो आपको कंफ्यूज करेगा ऐसी सिचुएशन में जहां आप फैसला लेना आपके लिए मुश्किल होगा कि प्रोविजन रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, ठीक है। चले, आईएएस 37 हमारा खत्म हो गया। हम इंशाल्लाह कल की क्लास में आईएएस 10 करेंगे। आईएएस 10 बिल्कुल छोटा सा स्टैंडर्ड है, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, एंड देन हम ईपीएस आईएएस 33 की तरफ भी चल देंगे, या इन्वेंट्री की तरफ आईएएस 2 की।